डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक लेके उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप में से बहुत से लोगों को हंसी भी आएगी कि ये कैसा टॉपिक है, और बहुत से लोगों को ये चीज़ खैर पता भी होगी। बट फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं तो कई बार हमारे मन में इतनी छोटी छोटी बातें जो हैं, बेसिक बातें, तो वो भी कई बार क्लियर नहीं होती। और वो अगर चीज़ें क्लियर ना हों तो फिर आगे चल के हमें सीखने में किसी भी चीज़ को दिक्कत हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे 1+1 2, अगर कोई छोटा बच्चा पूछे कि 1+1 2 मतलब 1+1 क्या होता है या 2 कैसे आता है, तो हमें वो चीज़ पता होती है, बट वो क्योंकि बच्चा है या सीख रहा है, कोई भी बिगनर है, लर्नर है, तो उसके लिए तो वो एक नई चीज़ है। तो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब भी मुझे कोई क्वेरी पूछता है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, और जब मुझे सेम क्वेरी 3 या 4 लोग पूछ लें, तो चाहे वो कितना भी बेसिक क्वेश्चन क्यों ना हो, या मतलब आपकी किसी की लैंग्वेज में हो सकता है कि वो सिली क्वेश्चन हो, बट अगर वो बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा है तो इसका मतलब वो क्वेरी जो है एक कॉमन क्वेरी है। तो उस केस में फिर मैं ये ठीक समझता हूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से एक वीडियो डाल दूँ, ताकि फ्यूचर में वो लोग उस वीडियो को देख के जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके मन में भी क्वेरी है, तो उनको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो ये स्पेसिफिक क्वेरी भी मैं हैरान हूँ कि 3-4 लोगों ने मुझसे पूछी। तो रिसेंटली अभी 3 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था, तो उनको भी मैंने इस क्वेरी का जवाब दिया, तो फिर मेरे माइंड में आया कि इसका भी एक क्वेश्चन वीडियो बनाता हूँ। फ्रेंड्स, क्वेरी ये थी कि जैसे, फिर वही बात, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हम सी स्केल हारमोनिका में सी मेजर स्केल जो है वो हमें मिलता है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो जब हम डी स्केल हारमोनिका लेंगे, तो क्वेरी ये थी कि क्या हमें डी के बाद वाले जो नोट्स हैं, मतलब डी ई एफ जी ए बी सी, ये नोट्स मिलेंगे, और अगर डी के बाद हम ई हारमोनिका लेते हैं तो क्या हमें ई एफ जी ए बी सी डी ई ऐसे नोट्स मिलेंगे। तो मैंने फिर उनको बताया कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि आपको सीक्वेंस में नोट मिलेंगे, क्योंकि अगर सीक्वेंस में ही मिलने होते फिर तो वो सी स्केल पे ही अवेलेबल है, ऑल द नोट्स दे आर इन सीक्वेंस विदाउट प्रेसिंग द स्लाइडर। बट ऐसे है कि जब सी स्केल हारमोनिका है, तो 12 होल से की बात करूंगा मैं, 5th होल ब्लो से हमें सी मेजर स्केल मिलता है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो ये इकलौता ऐसा स्केल है जिसमें हमें सभी नोट्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम डी स्केल हारमोनिका उठाते हैं या कोई भी और हारमोनिका उठाते हैं, उसमें हमें कोई ना कोई शार्प या फ्लैट जरूर मिलेगा। ये चीज़ मैं डिटेल में सर्कल ऑफ 5th में भी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फॉर इंस्टेंस, अगर हम जी स्केल की बात करें, तो जी स्केल में हमें एक नोट शार्प मिलेगा, एफ शार्प। बट वो जो शार्प नोट है, क्योंकि हमारे पास जी स्केल हारमोनिका है, तो वो एफ शार्प बजाने के लिए हमें स्लाइडर नहीं प्रेस करना पड़ेगा। हमें ये सारे नोट्स जो हैं, मतलब जी मेजर स्केल के जितने भी नोट्स हैं, तो जी, जी के बाद आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ शार्प, और उसके बाद फिर से जी। तो एफ शार्प जो है वो विदाउट प्रेसिंग स्लाइडर हम उसमें बजाएंगे, क्योंकि वो जी स्केल हारमोनिका है और उसके ऊपर हमें जी मेजर स्केल मिलेगा। इसी प्रकार से अब अगर मैं बात करूं डी स्केल हारमोनिका की, तो उसमें हमें एफ शार्प और एक सी शार्प, ये दो नोट्स उस स्केल को बजाते हुए मिलेंगे, वी विल एनकाउंटर दीज टू शार्प नोट्स। बट अगर डी स्केल हारमोनिका पे हम बजा रहे हैं, तो वो डी मेजर पूरा स्केल जो है वो हमें मिलेगा विदाउट प्रेसिंग द स्लाइडर। तो कहने का मतलब क्या है, डी को सा मानते हुए सारे गामा पादा निशा सानी दापा मागा रेसा आपको मिलेगा बिना स्लाइडर प्रेस किए हुए, हालांकि उसमें सी शार्प और एफ शार्प दो शार्प नोट होंगे। तो उसी प्रकार से सी हो गया, जी हो गया, डी हो गया, ए में हमें 3 मिल जाएंगे, बी में हमें 4 मिल जाएंगे, उसी प्रकार एफ में हमें फिर 1 ही मिलेगा। तो वो एक चीज देखने वाली है, सर्कल ऑफ 5th से क्लियर हो जाएगी। बट इस वीडियो को बनाने का, छोटे से वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि
कि मैं कम से कम जिन लोगों को बिगनर्स को इसके बारे में ये क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, ये दूर हो जाए कि जिस स्केल का हारमोनिका है उस स्केल का हमें मेजर स्केल मींस उसका हमें मेजर स्केल उस हारमोनिका पे बजाने को मिलेगा विदाउट प्रेसिंग स्लाइडर। तो डी स्केल हारमोनिका के ऊपर डी मेजर हम बिना स्लाइडर प्रेस किए हुए बजा सकते हैं, बट उसके अलावा और कोई भी स्केल बजाएंगे डी के अलावा डी स्केल हारमोनिका के ऊपर तो उसके लिए हमें स्लाइडर प्रेस करना पड़ेगा। तो ये एक जानकारी बहुत जरूरी थी क्योंकि बहुत से लोगों को यही डाउट था कि सी के स्केल में हमें सी डी ई एफ जी ए बी सी मिलता है, डी में हमें डी ई एफ जी ए बी सी ऐसे मिलता है। तो वो एक चीज जो थी मैंने समझा कि वो क्लियर करनी जरूरी है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत से लोगों को पता भी होगी, जिनको नहीं पता उनको ये जो क्लैरिटी है वो होनी जरूरी है, ऐसा मैंने समझा। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और वीडियोस लेके आप सभी के रूबरू होता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय फॉर नाउ।